जिस दिन सुशांत के इस दुनिया को छोड़ने की खबर आई थी उसी दिन ही कंगना ने बॉलीवुड में हो रहे नेपोटिज्म पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। तो बीते दिनों उन्होंने इंटरव्यू देते हुए तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर पर भी कई बड़े सवाल खड़े किए थे। तो अब कंगना ने एक बार फिर सुशांत के जाने पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन स्वरा भास्कर या तापसी पर नहीं बल्कि उनकी आखिरी फिल्म की एक्ट्रेस संजना सांघी पर। जी हाँ, अब कंगना रनौत ने संजना सांघी पर कई बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले संजना ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने सुशांत के ऊपर उनकी तरफ से लगाए गए मीटू के आरोपों पर बात की थी। इस इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि सुशांत के ऊपर मीटू का जो भी आरोप लगाया गया था वो झूठा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे लेकिन ये आर्टिकल झूठे थे। उनके इस इंटरव्यू के बाद से ही जहां कुछ लोग उन्हें अच्छा बता रहे हैं तो वहीं कंगना ने संजना के इस इंटरव्यू पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि जब वो जिंदा थे तब संजना ने अपनी ओर से उनकी इतनी अच्छी दोस्ती के बारे में कभी क्यों नहीं बात की। कंगना ने ट्विटर पर लिखा कि कई खबरों में दावा किया गया कि सुशांत ने संजना का यौन शोषण किया। उन दिनों संजना के साथ हैरेसमेंट की काफी न्यूज आई। संजना ने क्लैरिफाई करने के लिए अपना टाइम क्यों नहीं निकाला, जब वो जिंदा थे तब क्यों उन्होंने अपनी दोस्ती के बारे में सभी को नहीं बताया, क्यों उन्होंने इस बारे में कोई भी बात नहीं की। कंगना ने जो भी सवाल संजना के ऊपर खड़े किए हैं वो सब एक तरह से सही हैं, क्योंकि संजना ने सुशांत के मरने के बाद ही इस बात से पर्दा उठाया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें उसी टाइम इस बात को क्लैरिफाई करना चाहिए था। अगर संजना एक वीडियो भी पोस्ट कर देती अपने सोशल मीडिया पर तो भी ये बात साफ हो जाती, लेकिन संजना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। अब देखना यह है कि संजना कंगना के इस सवाल का क्या जवाब देती हैं और किस तरह से अपने आप को इन सवालों से बचाती हैं। इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद।